देखिए, कांग्रेस पार्टी कर्नाटक, जो बजरंगबली जी का जन्मस्थान है, और वहाँ मंगलवार के दिन बजरंग दल के नाम से चलने वाले विश्व हिंदू परिषद के युवा शाखा यानी संगठन का उन्होंने विरोध करते हुए, PFI से तुलना करते हुए उस पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा केवल इसलिए की क्योंकि उनको लगता था कि अगर हम बजरंग दल पर प्रतिबंध लगाने की बात करेंगे तो मुस्लिम वोटों का उनको लाभ हो जाएगा। ये मुस्लिम तुष्टिकरण की राजनीति का हिंदुस्तान से अंत हो चुका है। कर्नाटक में तो अब कांग्रेस का ही अंत होने जा रहा है और भारतीय जनता पार्टी का वहाँ कमल खिलने जा रहा है। और बजरंगबली जी को जब रावण नहीं बांध पाया तो कांग्रेस क्या बांध पाएगी। कांग्रेस वही कांग्रेस है जो भगवान राम के अस्तित्व को भी नकारने का काम करती थी। आज वह बजरंग दल के नाम से चलने वाले संगठन को प्रतिबंधित करने की बात करके अपने अंत का रास्ता स्वयं चुना है। इसके साथ ही जो केरल, द केरल स्टोरी मूवी है, वो लगातार चर्चा में बनी हुई है। अभी कल माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अपने भाषण में ये बात कही कि इस मूवी को देखा जाना चाहिए क्योंकि इसमें आतंकवाद का जो असली चेहरा है वो दिखाया गया है, और इसके साथ ही उन्होंने कांग्रेस पर भी आरोप लगाए। देखिए, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का स्वयंसेवक होने के नाते मैं जानता हूँ केरल के हमारे कितने स्वयंसेवकों का बलिदान हुआ है, कितने लोगों के हाथ पांव कुछ कोई ना कोई अंग भंग करने का पाप किया गया है, कितनी बेटियों को लव जिहाद का शिकार बनाया गया है। ये तमाम प्रकार की घटनाएं हम लोग तो पहले भी सुनते रहे हैं। द केरल स्टोरी को लेकर के माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो कल कहा है वो निश्चित तौर से आपसे भी मैं कहूँगा और सबसे आपके माध्यम से, NI के माध्यम से मैं अपील भी करूँगा कि उसे ज़रूर देखें। और जैसे द कश्मीर फाइल्स की एक पीछे आई थी फिल्म, उसका भी ये लोग विरोध कर रहे थे। और जब इस देश के तथाकथित धर्मनिरपेक्षवादी दल विरोध इस स्तर पर करने लगें कि ये खराब है, तो आप ये समझ लीजिए कि कुछ अच्छा काम हो रहा है। इसके साथ ही सर, एक आखिरी सवाल रहेगा, धर्मांतरण के मामले को लेकर के लगातार चीज़ें गरमाई भी हैं, 34 करोड़ की फंडिंग का भी एक जिक्र सामने आ रहा है, क्या कुछ पूरा प्रकरण है? देखिए, अभी तो वह पुलिस जांच के दायरे में है और जो भी प्रलोभन दे करके, लालच दे करके धर्मांतरण के कुकृत्य करेंगे उनके खिलाफ कानून के अनुसार कार्रवाई करने की व्यवस्था है। वो कार्रवाई हो रही है, सर्वोच्च अदालत के सामने भी मामला है। और जहाँ तक प्रयागराज में जो सियाट्स है, वह निश्चित तौर से एक धर्मांतरण का केंद्र बन गया था। शिक्षा का केंद्र कम, धर्मांतरण का केंद्र अधिक हो गया था। इनके गलत प्रकार से धर्मांतरण के जो कार्य थे उनका विरोध करते हुए, उनके खिलाफ आंदोलन करते हुए मैं भी जेल गया हूँ, इसलिए उनके कारनामे मैं जानता हूँ। लेकिन पुलिस जांच कर रही है, जो दोषी होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।